हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल लॉग विद अखिल में। तो आज हम लोग जा रहे हैं पांडव बखरा, जो कि उड़ीसा में एक प्लेस है भुवनेश्वर से बिल्कुल ही नज़दीक, अराउंड 40 किलोमीटर। कहा जाता है कि वहाँ पे महाभारत काल में जो पांडव थे वो उस पहाड़ में रहे थे, उन्होंने वहाँ पे गुफाएं बनाई थी और वहाँ रहते थे। मैंने ऐसा सुना, वीडियोस कुछ कुछ देखे, तो सोचा कि आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो क्यों ना वहाँ तक घूम के आया जाए। तो ये देखो साथ में अभी सत्यजीत है, सुनील है, वो प्रकाश है, और उधर वो जीतू है पानी पी रहा है। तो हम सब अभी सुबह के 6:30 बजे घर से निकल गए, तो हमारा ट्रिप अभी स्टार्ट होगा। हम लोग पथलगड़िया होके बांकी के लिए निकलेंगे। बांकी में ये प्लेस है, बाकी मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद बताऊँगा, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्स उसका पता नहीं है। तो चलो ट्रिप को करते हैं स्टार्ट, एंजॉय करते हैं जर्नी को। ये देखो सारे बाइक पे स्टार्ट हो गए हैं, बस बेरा ही बैठना बाकी रह गया है। फाइनली हम लोग पहुंच गए पांडव बखरा। ये देखो वो पहाड़ी है जिसपे मैंने आप लोगों को बताया था कि महाभारत काल में पांडव रहे थे। यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे बाइक स्टैंड भी है, बाइक वगैरह लगाने के लिए पर बाइक 20 रुपीज़। तो इस रास्ते से जब जाओगे तो आपको एक गाइड लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बीच बीच में बहुत जगह पे मधुमक्खियाँ वगैरह रहती है, तो पता नहीं चलेगा अगर आप अकेले जाओगे तो। अच्छा रहेगा आप किसी यहाँ के लोकल बंदे को ले लो, वो रास्ता वगैरह भी आपको बता देंगे। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस तो वाकई बहुत अच्छा है, शहर से बिल्कुल दूर, खूबसूरत वादियाँ, चारों तरफ हरियाली है, देखो। तो अगर आते हो तो इट्स वर्थ, ट्रिप बेकार नहीं जाएगा, भुवनेश्वर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो अभी भाई सीन कुछ ऐसा है कि सामने आप जो पहाड़ देख रहे हो, अभी हम लोग इस पे चढ़ेंगे, एक अच्छी सी छोटी मोटी ट्रेकिंग हो जाएगी हमारी। तो भाई आराम आराम से चल यार, वही तो सही सही सही। अभी काफी ऊपर जाना है हम लोगों को, वाह ये देखो बरस, और अभी हम लोग बहुत ही कम डिस्टेंस कवर कर पाए हैं, आधा हुआ है, आधा भी नहीं हुआ है। ये उस रास्ते से हम लोग आते हुए आ रहे हैं, साले मजे ले रहा तू। और अब मैं आपको एक बड़ा ही शानदार सा जगह दिखा। इस रास्ते से होते हुए हम लोग आए थे, और ये देखो एक गुफा, ये देखो कैसे केव से पहाड़ों से पानी टपक रहा है। Look at the view. है कुछ नहीं हुआ। और सुनील कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है यार, एसी से निकल कर ऐसा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। भाई अभी हमारा फोटो सेशन स्टार्ट हो रहा है, चलो सब लोग लग जा बारी बारी से। भाई अगर ऊपर आ रहे हो ना तो पानी जरूर ले लेना, क्योंकि मौसम कैसा भी हो
ऊपर चढ़ोगे ना पानी की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। ये वाला जगह पे तो फोटो वोटो हो गया, अभी चलते हैं ऊपर ऊपर, उससे ऊपर और भी जबरदस्त गुफा है। ऊपर और जाना है यार, और ये देखो कितनी ऊंचाई पे आ गए हम लोग। वो जगह देख रहे हो, लुक एट दिस प्लेस। ओए 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 यार, क्या सही रास्ता है भाई। ये देखो लौंडे ऊपर चढ़ गए। ये रहा सुनील अर्जित, यो चलो आराम से चलो। ये रोइला थोड़ी संग अच्छा तो ये वो प्लेस है जहाँ पे पांडव रहते थे। आप देख सकते हो ये उनका रहने का छोटा छोटा सा, यहीं पे ये पांडव सोते थे। ये देखो पांडव जब यहाँ रहते थे, नहीं नहीं आराम से, तो यहाँ पे वो अपना पानी वगैरह पीने का अरेंजमेंट करते थे। ये देख सकते हो यहाँ पे जब पहाड़ों से रिसकर पानी आता था, और शायद वो इस जगह से पानी अपना अरेंज करते होंगे नहाने और पीने के लिए। तो ये अभी हम लोगों ने हाफ फाउंटेन को ही अब तक कवर किया है। अभी देखो यहाँ हमें वहाँ ऊपर तक जाना है जिसका अलग से रास्ता है, और ये कुछ कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, और ये सोने के लिए जगह हुआ करती थी। अभी यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उस जगह पे मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा सा छत्ता लगा हुआ है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं और चढ़ते हैं माउंटेन के पीक पे। और ये जो एंट्स होती है ना, ये भर ये बहुत खतरनाक होती है। कोशिश करना का ट्रिक कर रहे हो तो इनसे बच के रखने का, क्योंकि दे आर बुलेट एंट्स। इनको ऐसे ही रहने देते हैं, इनको छेड़ते नहीं है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भाई ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर है जहाँ पे हम लोगों को चढ़ना होगा। सीढ़ी से ज्यादा तो पत्थर अच्छा है, सीढ़ी इज मोर रिस्की ना। आ जाओ आ जाइए हाँ हाँ आ जा। मुझे सत्तू का वीडियो निकालना है, सत्तू कैसे आता है देखते। हाँ इसको चढ़ाने के बाद में आऊंगा। क्या हुआ? ओह मैं तो गया। चलो चढ़ ही गया बेचारा। इधर नहीं थे बाबा, उधर से चढ़ो, उधर से उस तरफ उस तरफ उस तरफ। बस अब नहीं हो सकता, मजबूत जस्ट डर खत्म। अब थोड़ा नजारा देख लेते हैं। अब नजारे शूट कर। तो मैं आप लोगों को कुछ पहले दिखाता हूँ ऊपर कैसा व्यू है और ऊपर से कैसा दिख रहा है। ये देखो ये बिल्कुल हार्ड रॉक है। ये देख सकते हो कैसा रॉक, बिल्कुल हार्ड है ये रॉक, और ये इसका बिल्कुल छोर। तो अगर आप लोग घूमने आ रहे हो ना, तो प्लीज इस रास्ते से ज्यादा उस आगे मत जाना, बिकॉज उसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ट्राई टू शो यू। ये देख सकते हो कैसे बिल्कुल ही गड्ढा है। तो वो जो हमने आप लोग को पांडव जी का, जहाँ पे पांडव रहते थे वो जगह दिखाया था, वो बिल्कुल ठीक इसी के नीचे है। और ये है यहाँ का फोटो से
फोटो शूट करने के लिए बहुत ही बेहतर प्लेस। अब यहाँ पे बैठ गए, बिल्कुल एक पैनोरमिक व्यू आएगा। ये देखो ऐसा नज़ारा कैसा दिखेगा ऊपर से, और सोचो ये जब आप फोटो में कैप्चर करोगे तो कितना खूबसूरत दिखेगा। माहौल है भाई, सही माहौल है। ये भाई पहुंच गया ऊपर, थक गया ना भाई, लिटरली हालत खराब हो गई सबकी। पसीना देख सकते हो चेहरे में कैसे बना हुआ है, और काफी हाइट है यार। ये देखो, ये देखो, ये प्लेस, ये यहाँ से हम लोगों ने लास्ट ट्रैक किया, उधर नीचे से होते हुए वो रास्ते देखो, उधर से हम लोग आ रहे हैं। तो यार डिस्टेंस तो है, हाइट काफी है, और लिटरली सबका हालत खराब है। थोड़ा भी हम लोग यहाँ पर रेस्ट करेंगे, थोड़ा फोटो शूट होगा, और उसके बाद फिर हम लोग आगे इस रास्ते पे जाएंगे जो बिल्कुल इस पहाड़ के एंड तक जाता है, और वहाँ से फिर हम लोग नीचे वापस जाएंगे, और हम लोग अपने पार्किंग से गाड़ी उठा के फिर वापस अपने ओरिजिन की तरफ चले जाएंगे। ये जो हिरन है वो इधर से आया होगा। तो ये एक और आपको मैं बहुत ही माइथोलॉजिकल प्लेस दिखाता हूँ। ये कौन सा नदी है यार? हाँ, यही वाला, यही वाला, यही।